हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है। ताजा जारी इंडेक्स में भारत 10 स्थान गिर गया है। 2019 के इंडेक्स में भारत का स्थान 51वां है। इससे पहले वो 41वें स्थान पर था। और आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और अगर इस इंडेक्स में हम नीचे आ गए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो आशीष से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, 41वें स्थान से 51वें स्थान पर भारत आ गया है, यानी 10 पायदान नीचे हम आ गए हैं इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो लोकतंत्र का क्या हाल है, उसका अंदाजा इससे लगाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से हर साल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है, और ताजा जानकारी, इंडेक्स में भारत 10 स्थान नीचे गिर गया। आपको याद दिला दें, 2019 के इंडेक्स में भारत का स्थान 51वां था। इससे पहले वो 41वें स्थान पर था। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 5 चीजों पर देश को आंका जाता है। इसमें चुनाव प्रक्रिया से लेकर बहुलतावाद, नागरिक स्वतंत्रता और सरकार के कामकाज का आकलन किया जाता है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। आशीष, सवाल वही, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और यहां पर अगर हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे आ जाते हैं दुनिया में, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, कुछ तो चिंता का विषय जरूर है अखिलेश, लेकिन ये इसी का रिफ्लेक्शन है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं कि जब से CAA पास हुआ है भारत में, तब से तमाम आप पत्रिकाओं को देखें, लगातार भारत की इस मामले पर लेकर के समीक्षा की जा रही है। और इसी दिशा में इकोनॉमिस्ट, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, उसकी इंटेलिजेंस यूनिट है जो लगातार इस तरह की रिसर्च करती है अखिलेश, उसने इस तरह का एक सर्वे किया है जिसमें बात सिर्फ भारत की नहीं है, चाइना की भी है, दूसरे देशों की भी है, लेकिन भारत जो है वो 10 प्लेस खिसक करके नीचे आ गया है। और इन्होंने अपनी जो सर्वे की उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि टेस्टिंग टाइम्स हैं डेमोक्रेसी के लिए एशिया में, और इसके तहत जो रिलीजियस मापदंड है वो जी है 7.23, फॉलिंग फ्रॉम 7.23 इन 2018 टू 6.90 इन 2019। लेकिन मैं साथ में अखिलेश आपको ये भी बता दूं कि भारत सरकार का इस पर रुख बिल्कुल स्पष्ट है। भारत का ये मानना है कि जितने भी इस तरह की पत्रिकाएं भारत पे कमेंट कर रही हैं वो टोटली मिसप्लेस्ड है, क्योंकि वो भारत में जो डेमोक्रेसी जिस तरह से वाइब्रेंट है और जैसे तमाम धर्मों को बराबर का अधिकार दिया जाता है, उसको लेकर के सही आकलन नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इकोनॉमिस्ट ने जो सर्वे किया है उसमें भारत 10 पायदान खिसक करके और नीचे आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। लेकिन एक संकेत साफ है कि हाले लोकतंत्र और बेहतर हो, यानी लोकतंत्र का स्वास्थ्य हमारे देश में और बेहतर हो, ये एक संकेत इसमें छिपा है।